بسم الله الرحمن الرحيم. काम नहीं होना चाहिए अपराध में नहीं को तो फिर पहले मैं तमाम हजरात की खिदमत में मुबारक जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूं। जहां से तारीफ भाई ने बात को खत्म किया मैं वहीं अपनी बात को जोड़ता हूं। चार दिनों से पूरी तारीफ आपके हवाले है और यहां से खास तवज्जो का तालिब के ये गुलूबे खुश्क मौला फौजे बातिल के लिए से खास तवज्जो। पूरी तारीख आपके हवाले चौथे हिस्से में इंशाल्लाह हर कोई बेदार होगा कि ये गुलूए खुश्क मौला फौजे बातिल के लिए, ये गुलूए खुश्क मौला फौजे बातिल के लिए मौत बनकर आ गया शमशीरे कातिल के लिए। इंशाल्लाह तीसरा चौथा हिस्सा पहुंचेगा आप तक कि ये गुलूए खुश्क मौला फौजे बातिल के लिए मौत बनकर आ गया शमशीरे कातिल के लिए। वो अगर दुश्मन को बांधे तो हैरत किस लिए, वो अगर चौथे दिन पर सब बोलेंगे इंशाल्लाह कि वो अगर दुश्मन को पानी दे तो हैरत किस लिए, जिनके बाबा शीर मरवाते हैं कातिल के लिए। जनाबे कौशल साहब चेयरमैन कृषि तशरीफ लाए शेख आ जाए। कौशल भाई आ जाए, सारे लोग आ जाए। आप हजरत आज बाबा दे बलम सलमान। मैं चार मिसरे और आपकी अदालत में पेश करता हूँ बाबा दे बलम नारे सलाम पढ़ने। आप हजरत चार मिसरे बिल्कुल ताजा में पेश कर रहा हूँ कि अकीदा जिनका है इस्लाम तेज से फैला, अकीदा जिनका है इस्लाम देव से फैला। एक बाबा ने बलंद नारे सलावत पढ़ लिया। एक मशहूर मारूफ शख्सियत कौशल भाई जो सिंधी के चेयरमैन है माशाल्लाह तशरीफ लाए, आ जाए स्टेज पे, आ जाए। आपका इस्तकबाल है बाबा ने बलंद सलवार सिंधी मुरादाबाद यूपी से तशरीफ लाए हैं माशाल्लाह आपकी महफिल में। भाई इतनी बड़ी शख्सियत की आमद इतनी आहिस्ता सलवार समझ में नहीं आती है। अकीदा जिनका है इस्लाम देव से फैला, वो बेगुनाहों की लेने को जान तक पहुंचे। अकीदा जिनका है इस्लाम देव से फैला, वो बेगुनाहों की लेने को जान तक पहुंचे। अली को छोड़ के जो दीन के हुए कायल, चले सतीफा से और तालिबान तक पहुंचे। मुझे यकीन है कि वो पहुंचे नूह की कश्ती में एक सफीने में, वो पहुंचे नूह की कश्ती में एक सफीने से। आप हजरात ये ध्यान में रखिएगा कि अल्लाह खाने में बैठे हुए हैं कि वो पहुंचे नूह की कश्ती में एक सफीने से। जो लोग कर्बला तक गए मदीने से, चौथे मिसरे पर खास तवज्जो कि वो पहुंचे नूह की कश्ती में एक सफीने से। जो लोग कर्बला तक गए मदीने से, इमाम बाड़े की चौखट को चूमते रहना, इमाम बाड़े की चौखट को चूमते रहना, बहिष्ट जाना पड़ेगा इसी के दीने से। अपनी गुफ्तगू को और आगे की मंजिल पर लेके चलता हूं कि घर से चले हैं महफिले सरवर में आए हैं, घर से चले हैं महफिले सरवर में आए हैं, कतरे सीमेंट के अपने समंदर में आए हैं। अब हमने मतलब लहरा करिएगा, और शोरा से बात तवज्जो के घर से चले हैं महफिले सरवर में आए हैं, कतरे
सिमट के अपने समंदर में आए हैं, उनके मतलब मुलाकात करें कि कुछ ऐसे नक्श चेहरे अकबर में आए हैं, कुछ ऐसे नक्श चेहरे अकबर में आए हैं जैसे नबी पलक के ही घर में आए हैं। अपनी आंखों पर पट्टी को बांध ले, क्यों ना अपनी आंखों पर पट्टी को बांध ले, ये पहली बार इतने बड़े घर में आए हैं। सकीना ने कबीलों में शिवाय कामिला का अर्थ रखा है।
زمانہ دیکھ لے امو کے تیور پر عمل کر کے, زمانہ دیکھ لے امو کے تیور پر عمل کر کے, تک خیبر سے مارے سارے درباری فقیر نے. اب یہاں سے دیکھیے ایک شعر مجھے بس سنانا ہے, اس کے لیے میں نے یہ تمہید بنائی, ہمارے نقابات میں بسرا ہوا تھا, سکھائی ہے اداداروں کو خود داری فقیر نے, بس تمہید آپ حضرات کے ذہنوں میں انشاءاللہ اترے گی کہ سرے دربار دے کر انتہا بھاری سکینہ نے, کچینی شام کے حاکم سے سرداری سکینہ نے, سبیلوں نے شفائے کاملہ کا عرض رکھا ہے, عطاداروں سے کی ہے دور بیماری سکینہ نے, زمانہ دیکھ لے امو کے تیور پر عمل کر کے, فقط ہے بس سے مارے سارے درباری سکینہ نے, مصرا تھا سکھائی ہے عطاداروں کو خودداری سکینہ نے, بس تب بھی ملاحظہ کر رہے کہ زمانہ دیکھ لے امو کے تیور پر عمل کر کے, فقط ہے بس سے مارے سارے درباری سکینہ نے, تبرک کے سوا یہ مان کر کچھ بھی نہیں کھاتے, تبرک کے سوا یہ مان کر کچھ بھی نہیں کھاتے, تبرک کے سوا یہ مان کر کچھ بھی نہیں کھاتے, سکھائی ہے اداداروں کو خودداری سکینہ نے, خاموش رہے تو اس کا خنجر بولے گا, شیر ملاحظہ کریں کہ مظلوموں کے خون کا قطرہ روضے محشر بولے گا, ظالم اگر خاموش رہے تو ان کا خنجر بولے گا, آج بڑی خاموشی میں پڑھتا ہوں, آج عزاداری کے مخالف کچھ بھی کہیں چپ ہے منبر, آج عزاداری کے مخالف کچھ بھی کہیں چپ ہے منبر, مفتی تیرا کیا ہوگا جس روز یہ منبر بولے گا, آج عزاداری کے مخالف کچھ بھی کہیں چپ ہے منبر, مفتی تیرا کیا ہوگا جس روز یہ منبر بولے گا, نصب در جنت پر ہے عباس غازی کا پرچم, نصب در جنت پر ہے عباس غازی کا پرچم, بدعت کہنے والے نہ آئے جنت کا در بولے گا, ایک شعر سنانے بس ایک شعر کے لیے تمہیدی میں نے تین شعر کا سہارا لیا کہ مظلوموں کے خون کا قطرہ روزے محشر بولے گا, ظالم اگر خاموش رہے تو ان کا خنجر بولے گا, آج عزاداری کے مخالف کچھ بھی کہیں چپ ہے منبر, مفتی تیرا کیا ہوگا جس روز یہ منبر بولے گا, مفتی تیرا کیا ہوگا جس روز یہ منبر بولے گا, شام کا حاکم ہار گیا اور بابا میرے جیت گئے, بہن کی محفل اور یہ بھائی کر دے کہ شام کا حاکم ہار گیا اور بھائی میرے جیت گئے, شام کا حاکم ہار گیا اور بابا میرے جیت گئے, کوئی بولے یا نہ بولے ننا افضل بولے گا, شام کا حاکم ہار گیا اور بابا میرے جیت گئے, کوئی بولے یا نہ بولے ننا افضل بولے گا, ایک سوال بھیجے ہمارا دہاد بھائی, وہ ہم پہ کفر کا الزام لے کے آئے ہیں, جو سب سے بعد میں اسلام لے کے آئے ہیں, جو فتوے دیتے ہیں سرور کے غم پر اے لوگوں,
जो फतवे देते हैं सरवर के गम पे है लोगों, वो अपने आप को सरेआम लेके नहीं है सीने पे जिसके निशान मातम का बिना समझ के वो इस्लाम लेके आए हैं। जदीद तेरे ही घर में असीरे कर्बोवला तेरी शिकस्त का पैगाम लेके आए हैं। नहीं है सीने पे जिसके निशान मातम का, बिना समझ के वो इस्लाम लेके आए हैं। गमे हुसैन के दुश्मन अधेरी कब्रों में, यदीद जैसा ही अंजाम लेके आए हैं, नसीब होगा नाशी कोशीश महलों में, दरे अली से जो आराम लेके आए हैं। चौथा मिसाल इंशाल्लाह जश्न का एक तोहफा रहेगा कि गमे सरवर में जो रोते नहीं हैं कभी वो मोतबर होते नहीं हैं। कोई बच्चा कहीं भूखा न सोए, अली इस वास्ते सोते नहीं है, ये कहा नारा इस्लाम पढ़ने अपना हमें सरवर में जो रोते नहीं है कभी वो मोतबर होते नहीं है, कोई बच्चा कहीं भूखा न सोए, अली इस वास्ते रोते नहीं है। जिंदगी ने हुर को तोहफा कितना अच्छा दे दिया डूबने वाले को दरिया का किनारा दे दिया। अब हमने मतलब मुलाहजा करें कि जिंदगी ने हुर को तोहफा कितना अच्छा दे दिया, डूबने वाले को दरिया का किनारा दे दिया, दीन को अब्बासो अकबर ने ये तोहफा दे दिया, एक ने बाजू दिए एक ने कलेजा दे दिया, दीन को अब्बासो अकबर ने ये दो शेर की सुनानत की जगह ले लूंगा, दो शेर की बदनामत उसके बाद उसकी जगह ले लूंगा कि दीन को अब्बासो अकबर ने ये तोहफा दे दिया, एक ने बाजू दिए एक ने कलेजा दे दिया। हम दयारे करबला से लाए हैं अपना कफन, ऐसा लगता है कि मौला ने उतारा दे दिया। फैसला ये औन ने मैदान में लड़ने का किया, आधा लश्कर खुद लिया भाई को आधा दे दिया, दीन को अब्बासो अकबर ने ये तोहफा दे दिया, एक ने बाजू दिए एक ने कलेजा दे दिया। हम दयारे करबला से लाए हैं अपना कसम,
ऐसा लगता है कि मौला ने उतारा दे दिया। फैसला ही और ने मैदान में लड़ने का किया। अधलिया भाई को आधा दे दिया। बेकसों की जीत का वो देखो डंका बच गया। बेकसों की जीत का वो देखो डंका बच गया। जुल्म के दरबार में आबिद ने खुतबा दे दिया। السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد